नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ महेश जैन। हमारा शहर हमारा नेता कैसा और इसको लेकर विकास के दावों की सच्चाई जानने जावद नगर परिषद पहुंचे। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 6 जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ के ग्राम जो नगरवासी हैं वो हमारे साथ में वार्डवासियों से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस की नगर परिषद रही, वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस का पार्षद रहा, तो विकास के जो दावे करे थे उनकी हकीकत क्या है, क्या काम किए और क्या नहीं हुए। काका कौन से वार्ड के रहने वाले भैया? छह वार्ड के। विकास को लेकर क्या कहेंगे, 5 साल में कोई काम हुआ, क्या स्थिति? हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, 5-7 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। भैया वार्ड की स्थिति क्या है, कोई विकास कार्य? कांग्रेस का पार्षद रहा, कांग्रेस की परिषद रही, विकास को लेकर हकीकत क्या है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ जो सड़कें वगैरह बनी ये कब बनी? ये सब ये शर्मा जी के समय बनी, जो इससे पहले जो थे इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले भैया? वार्ड नंबर कौन सा है? 6 में काम वाम हुआ, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये चुनाव के समय वादे तो करे होंगे पहले? क्या झूठे सच्चे? झूठे सारे झूठे वादे। काका कौन से वार्ड के रहने वाले? वार्ड नंबर 6। विकास को लेकर क्या हकीकत है? कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ था वो पाइपलाइन नहीं खोल ले गए। दूसरी नगर परिषदों में तो विकास की बड़ी तस्वीरें देखने को मिली, तो आपके यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? तो आप चलो हमारे साथ, हम आपको बताते क्या विकास खोल के ले गए। क्या हुआ? पाइपलाइन जो खोल ले गए। ये ग्रामीणों को नहीं सौगात, विकास का नया फंडा है क्या? परेशान है लोग, क्या स्थिति है? परेशान है। काका कौन से वार्ड के रहने वाले? 6 में क्या विकास विकास हुआ, दावे क्या हैं? कुछ नहीं हुआ है, यहाँ न तो एक तो सफाई भी नहीं है, नगर पालिका की बिल्कुल लापरवाही। तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का परिषद और 1.5 साल सरकार भी आई तब भी काम नहीं हुआ क्या? हाँ नहीं हुआ। तो कोई भी काम नहीं हुआ वार्ड के? हाँ नहीं हुआ कुछ। क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? लटक रही है, लटक रही, देख लो आप। कोई सुनवाई नहीं, पार्षद ने आगे पूछा नहीं, पूछा आपसे? अरे क्या, कौन पूछे, उनके घर के काम कर रहे हो जी? क्या कह रहे हो? वो अपना वार्ड छोड़ के ही दूसरी लाइन में चला गया। तो जीतने के बाद सुन लेने, अध्यक्ष जी पार्षद जी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया आज तक। यहाँ की महिलाएं भी हमारे साथ में। भाई कौन से वार्ड के रहने वाले हो? 6 वार्ड में विकास को लेकर क्या सच्चाई क्या है? कुछ भी नहीं करा हमारे इधर, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं। लाइट आए दिन हमारा थम्बा यहाँ से खराब हो रहा है, आए दिन हम रिपोर्ट करते रहते तो भी सही नहीं कर रहे। जो पार्षद महोदय चुनाव लड़े थे तब आपके पास वोट लेने आएंगे, अध्यक्ष जी वोट लेने आएंगे, तब क्या दावे करे थे उन्होंने? बोले हम कर देंगे आपका काम जो भी होगा हम कर देंगे। जीतने के बाद आए कि नहीं आए? नहीं आया अभी एक भी बार। भाई क्या स्थिति क्या है वार्ड में विकास? समस्या है, कहीं भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी काम नहीं कराया, कुछ भी काम नहीं करा। जीतने के बाद सूद लीक नहीं ली? हाँ नहीं ली। झूठे वादे सच्चे वादे? सच्चे वादे, झूठे सच्चे वादे, सच्चे वादे, सच्चे वादे, झूठा होना का जो उनके वादे झूठे। भाई कौन से वार्ड के रहने वाले हो? 6 नंबर। विकास को लेकर क्या हकीकत है? कोई काम नहीं हुआ विकास के नाम। नेता लोग आए नहीं? नेता जिनको जिताया वो आए नहीं? आए कोई नहीं आया। हमने कितनी बार शिकायत करते, कोई आता नहीं करता, कोई नहीं। भोपाल तक हमने शिकायत करी उस चीज की, गंदगी की करी, कुत्तों की करी। कुत्ते यहाँ मोहल्ले में काटते हैं, बच्चे निकलने वाले बच्चों को काट खाए कितने। कोई भी समस्या के समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान, विकास कार्य हुआ नहीं हुआ वार्ड में? कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 6 जहाँ पर कांग्रेस की परिषद और कांग्रेस का पार्षद था, उसके 5 साल को लेकर ग्रामीणों की जुबानी सुनी, विकास के दावों की सच्चाई सुनी, जनता के बीच जनसंपर्क कर चुनावी वादे विकास के किए जा रहे। इस वक्त हमारे साथ में माया सत्यनारायण शर्मा जो है भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार, हमारे साथ में हमसे बात करेंगे पार्षद क्यों बनना चाहते हैं और विकास को लेकर क्या सोच है इनकी। मुझे बताइए सबसे पहले माया जी, आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, पार्षद बनने के पीछे मंशा क्या है आपकी? मैं सब मतलब विकास का कार्य करना चाहती हूँ और जितने भी वार्डवासियों की समस्या है उनका सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। आप एक राजनीति में जा रहे हैं तो कम से कम लोगों के विकास करेंगे, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, मतलब पढ़े लिखे जो होता है वो कहाँ तक योग्यता का स्तर है आपका? बीए। मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं आप। अब दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में, भाजपा और कांग्रेस, कड़ा मुकाबला है, भाजपा भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी विकास का दावा कर रही है, कोई दो अच्छाई बताए जनता आपको पसंद करे। मैं पहले सबसे पहले सभी वार्डवासियों की जो है उनकी मूलभूत समस्याएं उनको सुनूंगी और उनको समस्या को मतलब सॉल्यूशन या विकास का हर कार्य उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। जीत को लगे कितने आसपास है, क्या लगता है दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में जीत रहे, जीतेंगे और जीतेंगे तो मुख्य कारण क्या होगा आपका? जीतने का मुख्य कारण कि हम 15 साल से पहले भी रह चुके हैं तो हम सक्रिय रहे और सब उनकी बातें सुनी, उनके कार्य करे और मुझे पूरा विश्वास है और मेरे वार्डवासियों से भी पूरा विश्वास है। यहाँ हमारे साथ में सत्यनारायण जी, साथ में ये पूर्व में भी पार्षद रह चुके, हमसे बात करेंगे। सत्यनारायण जी कितने समय तक आप पार्षद रहे हैं, क्या कुछ हकीकत है विकास को लेकर? मैं वर्ष 2009 से 2014 तक इस वार्डवासियों के आशीर्वाद से यहाँ पार्षद रहा और उसके पश्चात मैंने यहाँ पर आंगनवाड़ी का निर्माण करवाया, सीसी रोड का निर्माण करवाया एवं पेयजल की समस्या बहुत मूलभूत समस्या थी, एकमात्र लाइन माणक चौक से लगाकर रेदास मार्ग तक पाइपलाइन की बिछाई, उससे
पेयजल की जो समस्या थी वो उसका स्थायी रूप से हल किया, लेकिन विगत वर्ष में जब यहाँ से कांग्रेस का पार्टी जीता उसने वो पाइपलाइन वापस उखड़वा दी और आज पेयजल की भारी समस्या खड़ी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे, 5 साल कांग्रेस की परिषद रही, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस विकास का दावा कर रही है, आप जनता के बीच जा रहे इसी वार्ड के रहने वाले, विकास की हकीकत को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास के बारे में आपने वार्ड वासियों से अभी इंटरव्यू लिया है और आपने खुद जाना है कि किस प्रकार से त्रस्त है जनता। पिछले 7 साल में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ, पूरा जावद एक खड्डे में गिर गया है, जब पूरा आम जन त्रस्त है, न तो उनको लाइट की सुविधा, न सफाई की सुविधा हो रही, न समय पर पेयजल मिल रहा, न सड़कें निर्मित की गई है, किसी प्रकार का विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। और केंद्र और राज्य शासन की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, शिवराज सरकार चाहे उसमें कन्या लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री विवाह योजना हो, श्रमिक कार्ड हो, बीपीएल का कार्ड हो, किसी प्रकार की कोई भी योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं मिला, यहाँ तक कि पीएम आवास के अधूरे मकान पड़े और उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, अगर एक दो मकान नहीं सुविधा के बीच आप लगभग जा रहे होंगे, जनसंपर्क चल रहा होगा, कल जनसंपर्क खत्म हो चुका है, आपकी अभी भी लोगों से मुलाकात हो रही होगी, लोगों के बीच विकास के मुद्दे क्या, विकास की सोच क्या, आपकी किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लोगों का यही मानना कि ऐसा हमको प्रतिनिधि चाहिए जो रात दिन सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। मैं अपने पिताजी के नाम से एसएल हेल्पलाइन का एक कार्यक्रम चलाता हूं जिसमें वार्ड सहित पूरे नगर के लोगों के लिए मैंने आय जाति निवासी प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, श्रमिक कार्ड, इनके लिए सबके लिए ऑफिस खोल रखा बस स्टैंड प्रतीक्षालय में, और हमेशा सुख दुख में या चाहे धार्मिक आयोजन हो चाहे सामाजिक आयोजन हो, हमेशा एक काल पे में जैसे डायल 100 होता वैसे काम करने की कोशिश करता हूं और हमेशा इनके बीच बना रहता हूं। और ये आपने देखा है कि किस प्रकार से मेरे साथ जन समर्थन है। जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे पूर्व में मेरे पर आशीर्वाद दिया जनता ने और इस वार्ड के वासियों ने, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण शत विश्वास है कि पुनः जनता मेरी श्रीमती को भारी मतों से विजय बनाएगी और हम उनके बीच आकर पूरे 5 साल तन मन और धन से इनकी सेवा में कार्य करेंगे। 15 वार्डों में चुनाव है, आपको क्या लगता है कितने सीटों में वार्डों में भाजपा अपना परचम लहराएगी और अध्यक्ष किसका बनेगा? जिस प्रकार से पिछले 7 वर्ष का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है जिसमें प्रत्येक परेशानी से जनता दोचा रही, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग 15 ही पार्षद इस भारत नगर में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष निर्वाचित होगा। ये थे हमारे साथ में माया सत्यनारायण शर्मा, जो पहले भी 2 बार कार्यकाल इनका वार्ड पार्षद का रह चुका है, विकास को लेकर जनता की जुबानी भी आपने सुनी। हालांकि देखना होगा, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जनता के बीच जाकर विकास के दावे कर रहे हैं, जनता किसे पसंद करती है और वार्ड में विजय का परचम कौन लहराता है।